हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक झा और आप देख रहे हैं ड्रॉइड सीक्रेट्स। सो हमेशा की तरह आज मैं आ चुका हूं आपके पास फिर से एक नए वीडियो के साथ। और यहां पे हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के बारे में। S20 और S20 प्लस के बारे में मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं, बाद में अपलोड कर दूंगा। सो फिलहाल हम बात करेंगे S20 अल्ट्रा के बारे में। और ये फ़ोन आ चुका है बहुत ही बड़े धमाके के साथ। और ये मैं आपको बता दिया, वर्ल्ड का फर्स्ट फ़ोन है जिसमें 100x तक की जूमिंग कैपेबिलिटी है। जी हाँ दोस्तों, 100 times तक ये जूम कर सकता है। और कैमरे की बात करें तो यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप है, जहाँ पे आपको प्राइमरी कैमरा ऑब्वियसली 108 megapixel का मिलता है। फिर एक whopping टेलीफोटो लेंस मिलता है, जहाँ से आप 5 megapixel 5 times जूम, 10 times जूम और 100 times तक जूम कर सकते हो। 5 times 10 times आपको हाइब्रिड जूम मिलेगा, और बाकी का जो 100 times है वो आपको सुपर डिजिटल whopping जूम मिलेगा, जहाँ पे आप 100 times तक जूम कर सकते हो और वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहेगा, ऐसा नहीं कि पिक्सल लेट हो जाएगा। और एक और कैमरा लेंस है जहाँ पे इन्होंने नाम दिया है ब्राइट नाइट। ये एक नाइट साइड की तरह ही है, जहाँ पे आपको नाइट कैमरा का डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आप नाइट टाइम फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो और यहाँ पे आपको मिल जाता है सुपर स्टडी मोड टाइप एक फीचर, जहाँ पे यू नो आप काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रिजोल्यूशन में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सुपर स्टडी मोड जो आपको सैमसंग के पिछले फ़ोन में भी देखने को मिला था, S10 में भी, और यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। और सबसे ख़ास बात यहाँ पे आपको मिल रहा है 8K रिजोल्यूशन तक आप वीडियो को शूट कर सकते हैं। जी हाँ, 8K आपने बहुत सारे फ़ोनों में देखा होगा कि 4K तक नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको मिल रहा है 8K रिजोल्यूशन 24fps और 30fps के बीच में। और 8K रिजोल्यूशन अपने आप में एक बहुत ही कमाल की बात है। और जहाँ तक आपको बैटरी की बात करें, सो यहाँ पे आपको मिलता है 5000mAh की बैटरी, जो काफ़ी ज़्यादा कमाल है। सो और ये फ़ोन आता है इनबिल्ट 5G के साथ, और बैटरी तो मैंने आपको बताया है 5G की 5000mAh बैटरी है, जो आपको एक फुल डे तो बहुत ही आसानी से दे देगा। 9120Hz की इसकी डिस्प्ले है, क्वालिटी है सुपर एमोलेड ओलेड, जो हमेशा की तरह सैमसंग का बेस्ट डिस्प्ले इस फ़ोन के आपको मिलता है। और इस फ़ोन में एक और चीज़ है जो बेस्ट है, वो है इसकी रैम कैप। रैम यहाँ पे DDR5 रैम है, जो यहाँ पे अब तक की लेटेस्ट रैम है DDR5, और 1216GB आपको रैम मिलेगा, जिसमें इन्होंने कोई कंजूसी नहीं किया है, और ये बात बहुत ही सही है। और इस फ़ोन की मेन स्पेसिफिकेशन या फिर बोले तो मेन सेलिंग USP जो है वो यहाँ का कैमरा ही है, जो भी है इस फ़ोन में कैमरे के ऊपर ही है, और बाकी डिस्प्ले तो सब रहता ही है सैमसंग का बेस्ट। सो मैं वो अभिषेक झा और आप देख रहे ड्रॉइड सीक्रेट्स। बाय बाय।